नदी का पानी बन गया घी, ढाया महादेव मंदिर का अद्भुत रहस्य। आज मैं आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी जो वैज्ञानिक समेत इस पूरी दुनिया के लिए रहस्य है और उन लोगों के लिए भ्रम है जो भगवान यानी ईश्वर के होने को नकारते हैं। ये रहस्य है ढाया महादेव मंदिर का। यहाँ महादेव शिव सुख का स्वयं प्रतीक है। मध्य प्रदेश के ग्राम खोड़ा इलाके में अटल खाड़ा है। इस मंदिर का जिक्र हमें सबसे पहले पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता था, जिसमें कहा गया है कि इस मंदिर का नाम ढाया मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि इसी जगह पर कभी ढाया का विशाल वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे से शिवलिंग अपने आप प्रकट हुई थी, तभी यहाँ शिव जी का विशाल मंदिर बनाया गया। कहते हैं यह आने वाले भक्तों की मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। तो जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में, जिसे शायद आने वाले सैकड़ों सालों में भी नहीं समझ सकेंगे। कहते हैं इस मंदिर में कई वर्षों पहले भंडारा हो रहा था। भंडारे में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, तब मिठाइयों के लिए घी कम पड़ गया। उस समय इस मंदिर के बिल्कुल पास से एक सिंधु नदी बहा करती थी। अब लोगों ने उस नदी में से पानी भरकर कढ़ाई में डाल दिया, जिसे किसी तरह चाशनी ही बढ़ जाएगी, पर देखते देखते वह पानी ही घी में बदल गया। तभी से यहाँ उसी जल से अखंड ज्योत जलती आ रही है। समय बीतता गया और देखते ही देखते सिंधु नदी की वो धारा जो इस मंदिर के सर पर बहा करती थी पूरी तरह से लुप्त हो गई। अब भी अखंड ज्योत के लिए आज भी ग्रामीण समाज के लोग 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घी देते हैं और यह अखंड ज्योत आज भी प्रचलित है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।